बजाज बाइक के चाहने वालों जाग जाओ, क्योंकि आज हम लेके आ गए हैं इसकी लेटेस्ट स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट की मोटरसाइकिल बजाज पल्सर N150। यह है इसका 2024 का न्यूली लॉन्च मॉडल। हमारे पास है इसका पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर। अगर आप इस मोटरसाइकिल को खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं इसके मेन पॉइंट्स। वो इसीलिए अगर आपने ये मोटरसाइकिल खरीद ली तो बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आती है काफी ज्यादा स्टाइलिश और एग्रेसिव स्टाइल में। इसमें आपको मिलती है वुल्फ आई शेप की बाईफंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प एलईडी पोजीशन लैंप के साथ। इंडिकेटर इसमें मिलेंगे आपको पॉइंटेड हेलोजन। टेल लाइट इसमें मिलती है आपको ट्विन एलईडी। ये रहा इसका सिंगल ग्रैब रेल। फ्रंट सस्पेंशन मिलता है इसमें 31mm का टेलीस्कोपिक, और ये सेंटर माउंट मोनोशॉक रियर सस्पेंशन। टायर इसमें फ्रंट मिलेगा आपको 90/90/17 का ट्यूबलेस टायर। ये आएगा ब्लैक कलर की स्टाइलिश अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट ब्रेक में इसमें आपको मिलेगी डिस्क जो आएगी 260mm की। ये बाइक आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। रियर टायर आपको मिलेगा 120/80/17 का ट्यूबलेस टायर। रियर व्हील में भी आपको स्टाइलिश अलॉय व्हील ही मिलती है। और एक बार दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलेंगे आपको रियर टायर में ड्रम ब्रेक जो आएंगी 130mm की। बात करेंगे इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन की। इंजन यहाँ पे आपको मिलता है 149.68cc का सिंगल सिलेंडर टू वॉल्व FI इंजन। ये आता है एयर कूल्ड, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 14.3 BHP की 8500 RPM पर, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.5 Nm का 6000 RPM पर। इंजन पावर तो आपको 150cc के हिसाब से ठीक ठाक ही मिलने वाली है। एक खास बात दोस्तों, पल्सर N150 में आपको किक भी मिलती है। गियर शिफ्टर इसका आता है काफी ज्यादा एग्रेसिव। इसमें मिलते हैं आपको 5 गियर, जो पहला डालेगा नीचे की तरफ और बाकी 4 ऊपर की तरफ। बात करेंगे इसके हैंडल बार और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। हैंडल बार आपको इसमें मिलता है ब्लैक कलर का, जो आएगा सिंगल ट्यूब हैंडल बार। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको मिलता है डिजी एनालॉग। ये रहा इसका RPM मीटर, और ये रहा इसका डिजिटल पोर्शन। ये आएगी ऑरेंज कलर की बैकलेट के साथ। चलिए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। चौड़ाई इसकी आती है 790mm की। व्हील बेस इस बाइक का आता है 1352mm का, और सीट हाइट इसमें आपको मिलती है 790mm। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का आएगा 165mm का। वजन आता है इस बाइक का 145 किलो का। टैंक कैपेसिटी इसमें मिलती है आपको 14 लीटर। टॉप स्पीड ये मोटरसाइकिल जाती है 115 किलोमीटर/hr की। माइलेज ये बाइक दे देगी 48+ का। बात करेंगे इसके प्राइसेस की, तो ये मोटरसाइकिल एक्सोरूम आती है 1,17,677 रुपए, जो RDO इंश्योरेंस मिला के बैठेगी 1,47,000 के आसपास। अगर आप इस मोटरसाइकिल को EMI में लेने की सोच रहे हैं तो इसको खरीदने के लिए आपको कम से कम 10,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। जो EMI बनेगी वो आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करेगी। ये थी इस मोटरसाइकिल की स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स और फीचर्स। अगर आप इस मोटरसाइकिल को खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये मोटरसाइकिल रहने वाली है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल इसकी बड़ी बहन N160 के लुक्स में आती है, जिसमें आपको सेम लुक, सेम डिजाइन और कुछ कुछ चीजें सेम ही मिलते हैं, और उस मोटरसाइकिल से भी ये सस्ती रहने वाली है। इसलिए ये मोटरसाइकिल आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये थी इसकी शॉर्ट में डिटेल्स। अगर आपको इसका फुल वॉक अराउंड चाहिए तो ये आप वीडियो आई बटन में देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपका राइडर दोस्त नवीन लेता हूं आपसे विदा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और राइड सेफ।